हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएम ऑयल पब्लिक स्कूल सीता सौंधी। आई एम विनोद मठपति, योर आर्ट टीचर। बच्चों, आज हम हमारे स्टेप बाय स्टेप बुक का पेज नंबर 14 का ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमें एक फ्लावर पॉट ड्रॉ करना है। बच्चों, आधा ड्राइंग बना हुआ है और आधा ड्रॉ करना है। आप देख सकते हो वीडियो में मैं किस तरीके से इस ड्राइंग को कंप्लीट कर रहा हूँ। बच्चों, पॉट के अंदर कुछ पत्ते बने हुए हैं, जैसे कि हमारे स्टेप बाय स्टेप बुक में साइड में पिक्चर दिया हुआ है, उसे देख के हम इस पॉट के अंदर वो पत्ते ड्रॉ कर रहे हैं। बच्चों, इस तरीके से हम पत्तों को ड्रॉ करेंगे। हर पत्ते को अच्छे से ड्रॉ करना है। कुछ पत्ते पीछे साइड है तो वो ओवरलैपिंग हो चुके हैं, इस तरीके से हम ये पत्ते ड्रॉ करते हैं। इसके बाद बच्चों, जो भी हमने ड्रॉ किया है उसे हम मार्कर पेन या जेल पेन से आउटलाइन करेंगे। इसके बाद बच्चों, हम इसमें करेंगे कलर फिलअप। कलर फिलअप करते समय कुछ पत्ते लाइट ग्रीन कलर के हैं, कुछ पत्ते जो है ये डार्क ग्रीन कलर के। आप देख सकते हो वीडियो में कि किस तरीके से हमने पत्ते को कलर किया है। बच्चों, इस पॉट के पीछे साइड बैकग्राउंड में येलो कलर फिलअप करना है। येलो कलर को अच्छे से फिलअप करेंगे हम। उसके बाद बच्चों, जो कप है, कप के अंदर में और कप के जो प्लेट है उसके अंदर के साइड में हमें येलो कलर फिलअप करना है। इसके बाद बच्चों, जो पॉट है उसके अंदर, पॉट के अंदर ऑरेंज कलर फिलअप करना है। इस तरीके से ऑरेंज कलर फिलअप करेंगे। उसके बाद स्काई ब्लू कलर का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम कलरिंग करेंगे। कलरिंग करते समय कोई भी कलर एक दूसरे के अंदर नहीं जाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कलरिंग करते समय हमें अच्छे से केयरफुली कलर फिलअप करना है, कहीं पे भी वाइट पोर्शन नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद बच्चों, इसके बैकग्राउंड में हमें कलर करना है फिलअप। इसके बैकग्राउंड के लिए बच्चों हम ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे। हल्का हल्का ब्राउन कलर फिलअप करेंगे अच्छे से। इस तरीके से ये हमारा ड्राइंग रेडी हो गया है। बच्चों, इसे आपको बनाना है। थैंक यू।